नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुविधा। जब रात में पटाखे जलाए जाएं, पटाखे छोड़े जाएं, तो समझना चाहिए कि आज दिवाली है, जनता खुश है, त्योहार मना रही है। और अगर दिन में पटाखे जलें तो ये समझना चाहिए कि किसी नेता का चुनाव में जीता हुआ परिणाम आया है अथवा कोई नेता जेल से छूटा है। मैं आज आपको बता दूं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे जला रहे हैं, राजघाट पर इकट्ठा होंगे, दिल्ली पुलिस लाठियां बांध रही है, रोक रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जमानत पर रिहा हो गए। और आनन फानन में ईडी हाईकोर्ट का रुख कर लिया उनकी जमानत रुकवाने के लिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और परमानेंट जमानत दी। ऐसा नहीं है कि अंतरिम जमानत, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कहा आपके पास सबूत है नहीं, अप्रूवर के गवाह के ऊपर आप केस चला रहे हैं, जब सबूत ना हो और स्वतंत्र गवाह ना हो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी जांच एजेंसियां उसी मुलजिम में से किसी को पटा लेती है, कुछ उसका उपकार करती है, कुछ लेती है, कुछ देती है और फिर तैयार कर लेती है अप्रूवर, यानी तुम सरकारी गवाह बन जाओ, किसी एक को फंसाओ। अरविंद केजरीवाल भी अप्रूवर के आधार पर केस में फंसाए गए, जेल में बंद थे और ट्रायल कोर्ट ने महसूस किया। लेकिन आज आपको एक जुडिशियल प्रोसेस यानी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी सत्य बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में लोगों की जमानत मिलती भी है, जमानत खारिज भी होती है, लेकिन जमानत मिलती है संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर। पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी की बात की गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, इस आधार पर हाईकोर्ट बेल देती है। हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैक्ट्स के गहराई में नहीं जाती। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रायल कोर्ट ने परमानेंट जमानत दी है तो ईडी कौन सा पक्ष रखेगी हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट ये कह सकती है कि ट्रायल कोर्ट के पास फुल पावर है अपनी ट्रायल में किसी को जमानत देने का, किसी को छोड़ने का, बरी करने का, क्योंकि वो फैक्ट्स के आधार पर काम किए होंगे। और अभिषेक मनु सिंह भी ईडी का पीछा करते करते हाईकोर्ट में पहुंच गए कि भाई ईडी कहीं बेल खारिज न करवा दे। कहने का तात्पर्य यह कि कहीं न कहीं से जो सत्ता का नशा, जो केंद्र सरकार का जो नशा था, वो कमजोर पड़ा है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्पीकर बनाए जाएंगे और जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन का उनका समर्थन करेंगे। बीच बीच में संजय राउत जो शिवसेना के हैं वो एक सगुफा छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि टीडीपी जो है अगर लोकसभा स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो पूरा विपक्ष उनको वोट दे देगा। आज हम आपको बता दें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उनका एक वोट से सरकार गिर गया था तो उस वक्त टीडीपी के ही स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी जी हुआ करते थे। तो भाजपा को भली भांति याद है कि अगर स्पीकर किसी सहयोगी दल का हो जाएगा, विपक्ष का हो जाएगा, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये तोड़ फोड़ करना, जो ऑपरेशन लोटस है वो कैसे हम चलाएंगे, ये सारी बातें हैं। उधर भाजपा के लिए दुख भरा खबर आ गया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जमानत पे रिहा हो गए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हेमंत सोरेन भी रिहा होंगे या उनके साथ भेदभाव किया जाएगा? वो क्षेत्रीय दल हैं, झारखंड से हैं, आदिवासी हैं,
तो उनको वह फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। एक जमानत एक फैसिलिटी होती है न्यायपालिका से, आपको प्लेस्ड करते हैं, आपको रिहा कर देते हैं, आपको स्वतंत्र कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ मुचलका लेकर। इस तरह का न्यायिक प्रक्रिया में चलता आया है। क्या न्यायपालिका उनके ऊपर मेहरबान होगी? हम सबसे बड़ी बात तो ये कर रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की मांग थी विपक्ष की, विपक्ष को ना देना पड़े, तो सत्ता पक्ष ने एक नया खेल शुरू किया है कि अपने सहयोगी जो घटक दल हैं एनडीए का, उनमें से किसी एक को डिप्टी स्पीकर बना देते हैं ताकि विपक्ष को ना जाए। उधर राहुल गांधी जी ताबड़तोड़ हमलावर हैं सरकार के ऊपर। जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं राहुल गांधी जी। पहले से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है अब काफी कॉन्फिडेंस में है। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि रायबरेली से राहुल गांधी जी सांसद बने रहेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, वहां से वो इस्तीफा दे रहे हैं। कहने का मतलब यह, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बनाएगी और बिहार में के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व विभाग में भेजा गया, वहां का जो भी समस्या है वो सुधारेंगे। लेकिन चार दिन के बाद के पाठक ने खुद फोन करके अपना नेम प्लेट हटवा दिया, वो राजस्व विभाग में नहीं जाना चाहते हैं। उधर पटना हाई कोर्ट ने जो जाति के आधार पर 65% आरक्षण दिया गया था वो खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी सरकार ने मिलकर जनसंख्या जातिगत आधार पर करवाई और इससे ये पता लगा कि जो एससी एसटी ओबीसी जो हैं उनमें जनसंख्या ज़्यादा है तो इनका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। उन्होंने 65% आरक्षण कर दिया था, बचा 35%। उस 35% में 10% जो आरक्षण था वो ईडब्ल्यूएस का था, तो सामान्य वालों के लिए मात्र 25% आरक्षण रह गया था। एडवोकेट दीनू कुमार ने इसके खिलाफ रिट फाइल किया, पटना हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और उधर सम्राट चौधरी ने कहा है कि वह इस याचिका में जो हार हुई है बिहार सरकार की, हाई कोर्ट से उनको जो है राहत नहीं मिली, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि 65% आरक्षण सही है, जनसंख्या बढ़ गई है तो आरक्षण का कोटा भी बढ़ना चाहिए। इस तरह से बात विवाद चल रहा है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। सामने चार महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव है हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन्हीं के साथ बिहार का भी चुनाव हो जाता तो अभी जनता जो है पूरी गर्माहट में है, जदयू को अच्छा सीट मिल जाता। अभी भी नीतीश कुमार के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो पलटी मार जाएं, ये सरकार कितने दिन चलेगी। लेकिन एक बात तो साफ हो रहा है कि उधर अरविंद केजरीवाल का जमानत मिल जाना, कहीं न कहीं से सरकार कमजोर हुई है या न्यायपालिका समझने लग गई है अभी सरकार कमजोर है। सरकार कमजोर होते ही ईडी कैसे कमजोर हो गई? आपको बता दूं, टीडीपी के एक सांसद हैं जिनका नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया, उनका पुत्र इस शराब कांड में फंसा भी था, जमानत भी लिया। उन्होंने कहा कि वो जो बताया है साउथ से 100 करोड़ आए दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी के पास, तो वो साउथ वाले जो टीडीपी के जो बड़े नामी ग्रामी सांसद हैं उनके पुत्र का नाम आया था, आज अरविंद केजरीवाल जी ने उनका भी नाम ले लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू के सांसद डर के मारे समर्थन दे रहे वर्तमान सरकार को कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो ईडी हमें उठा लेगी, ईडी से बचने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान एनडीए सरकार बनी रहेगी, चंद्रबाबू नायडू समर्थन देते रहेंगे क्योंकि डर ईडी का है, पहले ही नाम आ चुका है
तो सारा खेल घर का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये कहीं से नहीं डर रहे हैं। हर जगह सरकार के साथ दो दो हाथ करने को तैयार है और जनता का समर्थन भी प्राप्त है हर जगह है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हर प्रश्नों का जवाब देते हैं, सरकार पे हमलावर होते हैं। विपक्ष अब विपक्ष नजर आ रहा है, एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह कि कल क्या होगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है कि सरकार को, सत्ता को एक अच्छा और मजबूत विपक्ष मिला है जो हर बात में टोक रहा है, और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।